मुल्क भर में पार्लिमानी इंतखाबात का बुखार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इस सब के बीच जम्मू और कश्मीर में भी आप सब जानते हैं कि पहले फेज़ के तहत वोटिंग कुछ ही दिन के बाद कठुआ उधमपुर पार्लियामेंट्री नशिस्त पर होने जा रही है। इस बीच जो हमारा रजौरी पुंछ का इलाका है जो कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट के साथ जुड़ता है, यहाँ 7 मई के दिन वोटिंग होनी है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ का भी जो सियासी माहौल है वो सरगर्म होना शुरू हुआ है, और आप सब जानते हैं कि फिलहाल यहाँ तिकोनीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, और बेहद दिलचस्प क्योंकि दो सबका वज़ीर आला मैदान में उतरे हैं, यहाँ से एक मैडम महबूबा मुफ्ती और एक गुलाम नबी आज़ाद साहब, और तीसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के मुश्तरका कैंडिडेट जो कि इंडिया अलाइंस के तहत है वो मियाँ अल्ताफ साहब हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा सियासी चेहरा है और सबका काबीना वज़ीर भी है। मेरे साथ इन पूरे मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि सब जज के ओहदे से इन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा दिया था और फिलहाल सियासत में हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्तगी रखते हैं। सर, इलेक्शन से ज़्यादा क्यों वोट दें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कैंडिडेट को? क्या वायदे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रहेंगे? मैनिफेस्टो की बात हम नहीं करेंगे, वो एक जनरलाइज मैनिफेस्टो पूरे J&K स्टेट मतलब पूरे UT सतह पर जारी किया जाएगा, किया जा चुका है, इंडिया अलायंस का अलग से मैनिफेस्टो है, लेकिन राजौरी की आवाम, पुंछ की आवाम क्यों वोट दें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को? क्या वायदे हैं जो आपकी पार्टी पूरे करेगी यहाँ के लोगों के साथ? देखें, एक चीज़ तो सच्चाई है कि ये इलेक्शन जो है ये तामीर और तरक्की की बुनियाद पर नहीं हो रहा है, जो हकीकत है। इसमें अगर हम लोग ये मैनिफेस्टो में कोई ये कहेगा कि हम दूध और शहद की नहरें चला देंगे, ना तो हमारे लोग मानने वाले हैं और ना ही लोग इस तरफ अब तवज्जो दे रहे हैं। ये इलेक्शन एक बड़े मुद्दे पर है, और उस बड़े मुद्दे में ये है कि सबसे पहला सवाल ये है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया, क्या आप उसके साथ हैं या उसके अगेंस्ट हैं? रहा सवाल तामीर और तरक्की का, रजौरी पुंछ में आज तक जो तामीर और तरक्की हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही दौर में हुई है, इसमें भी कोई दौर आई नहीं है कि जब से ये रिजीम एग्जिस्टेंस में आई, यानी 2014 में, 2014 के बाद रजौरी पुंछ में कोई एक नया प्रोजेक्ट मुझे बता दो जो स्टार्ट हुआ, क्योंकि तवज्जो किसी ने नहीं दी, तवज्जो और चीज़ों पर रही, और पूरे मुल्क में भी अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ कोई और एम्प्लॉयमेंट का साधन है नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई फ्रूट इंडस्ट्री नहीं, एक है एम्प्लॉयमेंट सरकारी एम्प्लॉयमेंट, वो आप देखोगे कि पिछले 5-10 सालों में उसकी शरह कितनी घटी है और अनएम्प्लॉयमेंट की शरह कितनी बड़ी है। अभी पिछले दिनों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक होती है, उसने जो डेटा दिया है पूरे कंट्री का वो मायूस कुन है कि पढ़े लिखे नौजवानों की जो तादाद है वो पिछले 10 सालों में, ना उन्होंने पिछले 5 सालों का लगाया है कि 5 साल में वो कितना बड़ा है और फ्रस्ट्रेशन कितनी आई है नौजवानों में। हमारा सबसे पहला जो काम है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट जीतेगा तो कम से कम हम तवक्को करते हैं कि हमारे यहाँ रेल का जो प्लान था वो शेल्व हो गया, जम्मू से पुंछ पहले रेल ट्रैक का प्रपोजल था, अंडर कंसिडरेशन था, उसको शेल्व कर दिया, उसको तर्क कर दिया गया। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसकी वजह ये थी कि जो पिछली बार हमने मेंबर पार्लियामेंट बनाकर भेजे थे उन्होंने, हालांकि वोट यहाँ से भी मिले, हमने तो नहीं उनको वोट दिया, लेकिन यहाँ से अच्छा खासा वोट मिला रजौरी पुंछ से। उसके बाद मेरे ख्याल में कभी भी उन्होंने इस एरिया का टूर भी नहीं लगाया, देखा भी नहीं इसको। एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक मामला है, अगर ये रिजीम चेंज होती है, लोग तब्दीली इस वक्त चाह रहे हैं, आपने देखा भी होगा जम्मू कश्मीर पूरे में लोगों का मूड है कि लोग इस वक्त तब्दीली चाहते हैं, अगर ये तब्दील होती है रिजीम तो सबसे पहला जो चैलेंज होगा इस नई गवर्नमेंट के लिए जो 24 मई 24 में जो ओथ लेगी, कि मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी इस शरह से बड़ी है इसको कैसे रोका जाए। दूसरा महंगाई है। रहा सवाल रजौरी पुंछ का, रजौरी पुंछ में तामीर और तरक्की के बहुत सारे काम जो जहां
आज से 10 साल पहले थे वहीं ठप पड़े हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार मियाँ साहब जीतेंगे और कम से कम वो जो तामीर व तरक्की के जो प्रोजेक्ट जहाँ पड़े हैं उसमें सुधार आएगा। आपने देखा होगा हॉस्पिटल जो हैं वो ज़बाखाना बन के हैं, एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली शटर्ड हो गया है और कोई सुनवाई नहीं है। इस वक्त आज तो सबसे बड़ी चीज़ जो रजौरी पुंछ के लोगों को जो सताई जा रही है कि कोई दरवाज़ा नहीं है खटखटाने के लिए, असेंबली इलेक्शन हुए नहीं। मुझे ये बताओ कोई दूसरी पार्टी किस बुनियाद पर वोट मांगेगी, क्या कहेंगे? अगर आप कहोगे कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो वोट मांगेगी, क्या लोगों को बताकर वोट मांगेगी? ये कहेंगे कि हमने आपकी रियासत छीन ली सर, वो तो ये कहेंगे कि हमने आपकी एम्प्लॉयमेंट छीन ली। ये कई जगहों पे ये कहा जा रहा है, जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, नया जम्मू कश्मीर का एक नारा है, बड़े पैमाने पर तब्दीली हुई है, रजौरी पुंछ में भी बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए गए हैं, आप कहते हैं नहीं लाए गए हैं, जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी ठंडे बस्ते में, किसकी माने लोग और वोटर किसको वोट दे? मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप ही गिनवा दें एक नया प्रोजेक्ट पुंछ रजौरी के लिए, एक कोई, बिकॉज यू आर अ जर्नलिस्ट, आप तो रजौरी पुंछ के मेरे ख्याल में दूर दराज इलाके में भी जाते हैं और आपका रबता है लोगों के साथ, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट गिनवा दीजिए जनाब कि जो प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों में यहाँ शुरू हुआ है, कोई एक प्रोजेक्ट। हाईवे है, पुराना प्रोजेक्ट है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, वो कब स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है, इस सरकार से पहले हुआ था स्टार्ट, वो ये आप मान के चलते हैं कि इसकी CDR पहले बनी हुई थी, काम पहले से स्टार्ट था, जम्मू से गांधीनगर से जो फ्लाईओवर बस स्टैंड से जो था वो उसका काम पहले स्टार्ट था, ये भी आप मानते हैं। रेलवे प्रोजेक्ट प्रपोजल था, शेल्व हो गया, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता दो, एक काम कोई पुंछ रजौरी में कि जिस जो मफादे आमा का कोई एक गिनवा दे पिछले 10 सालों का, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई ऑब्स्टिनेट आंखें बंद कर लूँगा, मैं कहूँगा हाँ भाई ये काम किया है, लेकिन मुझे एक प्रोजेक्ट बता दो। आप क्या मानते हैं सर, सियासी मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, क्योंकि दो सबका वजीर आला टक्कर में है इस सीट से और मियाँ अल्ताफ साहब भी एक बड़ा सियासी चेहरा है, सबका काबीना वजीर भी रहे हैं, कितना दिलचस्प और कितना बड़ा मुकाबला इस सीट पर होने जा रहा है, और अगर BJP का भी कोई वजनी कैंडिडेट उतार दिया जाता है मैदान पे तो फिर? मुझे लगता नहीं है कि BJP का कैंडिडेट उतरने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, लोगों ने माइंड बनाया है, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे। और इस बात मैं ये बताऊँ, पूरे जम्मू कश्मीर में एक वेव है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और उस वेव के साथ साथ मियाँ साहब का आ जाना एक बहुत बड़ी बात है कि मियाँ साहब हर कम्युनिटी के लिए, हर कम्युनिटी की फेवरेट फिगर है, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई मुकाबला कर पाएगा, जो हकीकत है। चाहे आप कहते हैं साहब का दो चीफ मिनिस्टर भी आगे, उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, मुझे लगता नहीं है कि मियाँ साहब के मुकाबले में कोई टिक पाएगा। ये मेरे साथ मुजफ्फर इकबाल खान साहब थे, जो कि सबका जज के ओहदे पर रहे, सबका जज हैं, जज के ओहदे पर इन्होंने अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया, मौजूदा वक्त में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्तगी रखते हैं और सियासत में अपने आप में रजौरी ज़िला के अंदर एक बड़ा चेहरा है, और ख़ास करके इनके नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट होने के बाद जैसे ही इन्होंने सियासत में कदम रखा तो एक नई लहर भी पैदा हुई थी, क्योंकि इतने बड़े ओहदे से जब कोई शख्स सीधा सियासत में उतरता है तो यकीनन उसके पीछे एक बड़ा मकसद रहता है। तो अब इस सब के बीच इनका ये साफ कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव है, हालांकि वो चीज़ें वक्त के साथ साबित होंगी, और सबसे बड़ी बात है कि जब EVM के ज़रिए वोट्स की गिनती होगी और जीत हार का ऐलान होगा तभी पता चलेगा कि इनकी बात में कितना दम था। लेकिन इनसे बात करके हमने यही जानने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का खैमा इन इंतखाबात को किस तरह से देख रहा है। शुक्रिया।